चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग किस पर डिस्कस कर रहे थे? औरंगजेब के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और आज हम लोग बात करने वाले थे औरंगजेब और मेदिनी राय का, है ना। पलामू राज्य में चेरो शासक कौन था? मेदिनी राय। और मुगल शासक कौन? औरंगजेब। तो लगाइए हेडिंग, औरंगजेब एवं, लगाइए आराम से, कोई बात नहीं, औरंगजेब एवं चेरो शासक मेदिनी राय, औरंगजेब एवं चेरो शासक मेदिनी राय। हाँ, पलामू की बात कर रहे हैं हम लोग, चेरो वंश कहाँ है? पलामू में है। तो क्या लिखिए? औरंगजेब एवं चेरो शासक कौन है? मेदिनी राय। मेदिनी राय, ठीक है। तो पूरा कहानी को हम लोग समझेंगे, दोनों के बीच में क्या बात विवाद हुआ, कैसे दोनों के बीच में आक्रमण हुआ, फिर चेरो वंश के राजा हारा या औरंगजेब हारा, ये सब तो हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले दो चार एकदम फैक्चुअल पॉइंट हम लोग लिखेंगे। क्या लिखना है? कि मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एरा ऑफ चेरो डायनेस्टी। क्या लिखेंगे हम लोग? कि मेदिनी राय के शासनकाल को क्या कहा जाता है? चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एरा कहा जाता है, गोल्डन एरा। हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग? स्वर्णिम युग। स्वर्णिम युग, गोल्डन एरा, मतलब चेरो वंश के लोग मानते हैं कि हमारा सबसे अच्छा समय काल कौन है? मेदिनी राय का समय काल। मेदिनी राय का जो टाइम पीरियड है वो हमारे लिए क्या है? गोल्डन एरा है। तो क्या कह रहे हैं हम लोग? कि मेदिनी राय के शासन काल को चेरो वंश का क्या कहा जाता है? स्वर्णिम युग कहा जाता है, गोल्डन एरा कहा जाता है। पहला पॉइंट इसको याद करना है। और क्या याद करना है? तो लिखिए, मेदिनी राय को नियासी राजा, कैसा राजा? नियासी राजा की संज्ञा दी जाती है। मेदिनी राय को नियासी राजा की संज्ञा दी जाती है। क्या संज्ञा दिया जाता है? नियासी राजा। नियासी मतलब न्यायप्रिय, जो सबके लिए क्या करे? एक समान न्याय करे। न्यासी वर्ड का मतलब क्या कहना है? हाँ, जस्टिस, यानी न्यायप्रिय। इनका कहना था कि चाहे वो राजा हो, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो क्लर्क हो, पियोन हो, चपरासी हो, प्रधानमंत्री हो, सबके लिए न्याय क्या है? एक जैसा है। यही बात कौन कहता है? हमारा संविधान कहता है, भारतीय संविधान यही बात कहता है ना। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो संविधान क्या कहता है? कि सभी को ही क्या है? इक्वलिटी में चलेगा। तो हम लोग क्या कह रहे हैं? कि यही होता है न्यासी राजा, यानी न्यायप्रिय राजा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और क्या लिखना है? मेदिनी राय ने पलामू का नया किला बनवाया था। कौन सा किला? पुराना किला कौन बनाया? प्रताप राय। और पलामू का नया किला मेदिनी राय। तो लिखेंगे, मेदिनी राय ने क्या बनवाया था? पलामू का नया किला। कौन सा किला? पलामू का नया किला। याद कीजिए, हम आपको बताए थे कहानी जब पढ़ा रहे थे कि मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह पे आक्रमण किया था, और आक्रमण करने के बाद ढोईसागढ़ में जो पंच मंजिला किला था, नवरत्नगढ़ का किला, उसको पूरा तोड़फोड़ किया था, और वहां से बड़ा सा जो फाटक था, एक विशाल फाटक, नागपुरी दरवाजा को टूट के ले गया, और वहाँ के हीरे जवाहरात सबको लूटा था। तो इतिहासकार मानते हैं, ढोईसागढ़ कहते हैं, गुमला, हाँ, नवरत्नगढ़ का किला।
और इतिहासकार मानते हैं कि इसी किला से जो उन्होंने लूटपाट मचाया था उसी धन को एकत्रित करके उन्होंने क्या बनवाया था, पलामू का नया किला, और इसी में क्या लगवाया था, वो विशाल फाटक, विशाल फाटक को लगवाया था, दरवाजा को लगवाया था, उसका नाम क्या है, नागपुरी दरवाजा। इतना सारा पॉइंट हम लोग को किसके बारे में जानना है, पहले मेदिनी राय के बारे में। अब कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, अब देखेंगे औरंगजेब और मेदिनी राय के बीच में क्या टसन चल रहा है, ये हम लोग को जानना होगा। अच्छा ये बताइए, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, प्रताप राय राजा था, प्रताप राय के बाद अनंत राय, सहवल राय, ये सब कहानी हम लोग समझ रहे थे। और चेरोवंश मुगल शासन में क्या रहा, हमेशा एकदम आसान क्षेत्र बना रहा, झगड़ा होते चला, कभी टैक्स बढ़ रहा है, कभी टैक्स घट रहा है, कभी इतिकात खां आक्रमण कर रहा है, कभी जबरदस्त खां आक्रमण कर रहा है, हमेशा क्या है, टसन में चल रहा है। मेदिनी राय के बारे में कहा जाता है ये अपने आप को क्या मानता था, एकदम साम्राज्यवादी नीति को पालन करने वाला, एक सशक्त कुशल शासक था। मेदिनी राय के बारे में क्या कहा जाता है कि अपने आप में साम्राज्यवादी नीति को मानता था, यानी अपने इलाका को क्या करेंगे हम लोग, फैलाएंगे, और अपने आप में क्या था, कुशल शासक था, बहुत ही शानदार ये राजा था, कुशल शासक था। जब औरंगजेब ने धीरे धीरे झारखंड पे अपना कब्जा करना चालू किया, झारखंड के अलग अलग क्षेत्रीय राजाओं से टैक्स वसूलना चालू किया, तो उसी क्रम में कौन दिखा होगा, मेदिनी राय, पलामू क्षेत्र से भी क्या क्या होगा, टैक्स का डिमांड क्या होगा। तो औरंगजेब के बारे में आपको जो जानकारी मिलेगा, एक किताब है आलमगीरनामा, याद कीजिए लास्ट क्लास में बताए थे कि औरंगजेब को क्या कहा जाता है, आलमगीर, जिंदा पीर। तो इसी का ऊपर, इसी के समय काल पर एक किताब है, किताब का नाम क्या है, आलमगीरनामा, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्या नाम है किताब का, आलमगीरनामा। इस किताब में उल्लेख किया गया है कि चेरोवंश के गद्दी पर एक विधर्मी राजा बनता है, क्या बनता बैठता है, विधर्मी शासक, ऐसा विधर्मी शासक, वो ना तो मुगलों को टैक्स देता था, मतलब औरंगजेब को कोई टैक्स नहीं देता था, और अगर गलती से औरंगजेब अपना डेलीगेट्स को भेजता है ना, आज भी समय में डिप्लोमेट्स भेजा जाता है संधि करने के लिए, अगर किसी टीम को भेजता था कि औरंगजेब या मेदिनी राय को बताइए कि क्या करेंगे, जिंदा पीर, मुगल बादशाह, औरंगजेब को टैक्स देंगे, तो ये अपने कुर्सी में बैठ के उन लोग का खिल्ली उड़ाता था, जो पलामू वासी है मजाक उड़ाता था, औरंगजेब कहाँ का, कैसा राजा हम नहीं जानते हैं, मतलब मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, कहते थे कि भैया हम किसी औरंगजेब को नहीं जानते हैं, किसी आलमगीर को नहीं जानते हैं, हम तो टैक्स नहीं देंगे, इतना भी तो बर्दाश्त था। गलती से पलामू क्षेत्र से कोई मुगल व्यापारी या मुगल सिपाही पार होता था, उसको रोका जाता था। आप सोचिए, जो इंडिया में रहा होगा मुगल से क्या लिया होगा, अपना पट्टा लिया होगा कि पूरे मुगल क्षेत्र में हम क्या करेंगे, मुक्त व्यापार करेंगे। अब व्यापारी को रोका, बोला टैक्स दो, तो व्यापारी ने कहा कि भैया हम टैक्स किसको दिए हैं, औरंगजेब को दिए हैं, महाराज को दिए हैं। बोला कहाँ का महाराज, ये हमारा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कोई औरंगजेब नहीं है, अगर इस क्षेत्र से पार होना है तो क्या दो, अगर कोई सिपाही ना कह दिया तो उसका सारा सामान लूट लिया जाता था, उसी का सामान क्या कर लिया जाता था, लूट लिया जाता था। यानी मुगल व्यापारी मुगल सेनाओं से भी ये क्या वसूलते थे, रॉयल्टी वसूलते थे, कौन, मेदिनी राय। और ये सारे बातों का उल्लेख कहाँ है, आलमगीरनामा में है। क्लियर है, तो लिखिए आलमगीरनामा के अनुसार, आलमगीरनामा के अनुसार औरंगजेब के समय काल में, आलमगीर के नामा के अनुसार औरंगजेब के समय काल में चेरोवंश के गद्दी पर, चेरोवंश के गद्दी पर एक विधर्मी शासक गद्दी पर
चेरो वंश के गद्दी पर एक विधर्मी शासक, विधर्मी मतलब किसी धर्म को ना मानने वाला, ऐसा कहा गया है, विधर्मी शासक का शासन था। चेरो वंश के गद्दी पर एक विधर्मी शासक का शासन था या समय काल था। आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, विधर्मी शासक का शासन था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हम लोग, लिखिए कि चेरो राजा मेदिनी राय, चेरो राजा मेदिनी राय, चेरो राजा मेदिनी राय ना तो औरंगजेब को, ना तो औरंगजेब को सालाना मालगुजारी या पेशकश देते थे, टैक्स का ही रूप है। मेदिनी राय ना तो औरंगजेब को सालाना मालगुजारी या फिर क्या लिखिएगा, पेशकश, ना तो सालाना मालगुजारी या पेशकश देते थे, मतलब ये नहीं देते थे मालगुजारी या पेशकश देते थे, बल्कि बल्कि यदि कोई मुगल सूबेदार, बल्कि यदि कोई मुगल सूबेदार, यदि कोई मुगल सूबेदार मालगुजारी का, यदि कोई मुगल सूबेदार मालगुजारी का आग्रह करते थे, मालगुजारी का आग्रह करते थे, मतलब मालगुजारी जिम्मेवारी करते थे कि भैया आप क्या दीजिए, टैक्स दीजिए, मालगुजारी देते थे, आग्रह करते थे, तो मेदिनी राय उनका मजाक उड़ाते थे, उन पर हंसते थे। मेदिनी राय उनका मजाक उड़ाते थे, उन पर हंसते थे। हाँ, बस पूरे चेरो वंश में आपको एक भी ऐसा राजा नहीं मिलेगा जिससे साथ मुगल का टसन ना रहा हो, दोनों अपने कैटेगरी में बस एकदम लागू रहेगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आया। अब एक चीज़ और देखिए, हम लोग क्या लिखा है कि मेदिनी राय के समय काल को क्या कहा जाता है, गोल्डन एरा, स्वर्णिम युग। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेदिनी राय के समय काल में सबसे अच्छा क्या था, खेती था। याद रखिएगा, चेरो वंश में सबसे अच्छा खेती में समृद्धि कब हुआ था, मेदिनी राय के समय काल को। तो ये भी नोट करके लिख लीजिए कि मेदिनी राय के समय काल में ही चेरो वंश में, मेदिनी राय के समय काल में ही चेरो वंश में खेती या खेती में समृद्धि थी। खेती में क्या था, समृद्धि था, डेवलपमेंट था। किसमें, खेती बाड़ी में। किसके समय काल में, मेदिनी राय के समय काल में। मेदिनी राय के समय काल में ही क्या कह रहे हैं हम लोग, खेती में क्या मिलता है, समृद्धि देखने को मिलता है। खेती में समृद्धि थी किनके समय काल में, मेदिनी राय के समय काल में। एक कहावत और फेमस था, हाँ, कि चेरो वंश के कोई ऐसा अमीर हो गरीब हो, कोई ऐसा घर नहीं है जहां पे दूध दही मक्खन का कमी हो। अगर खेती में डेवलपमेंट होगा, उसके पास क्या होगा, पशु तो होगा ही, पशुपालन होगा, और पशुपालन होगा तो क्या मिलेगा, दूध मिलेगा, दही मिलेगा, घी मिलेगा। तो कहा जाता है कि मेदिनी राय के समय काल में पूरे चेरो वंश में ऐसा कोई समुदाय नहीं था जहां पे दूध दही घी ये सब का क्या हो, कमी हो। इस पॉइंट को भी लिख लीजिए कि मेदिनी राय के समय काल में यह भी कहा जाता है कि चेरो वंश के, मेदिनी राय के समय काल में यह भी कहा जाता है कि चेरो वंश के हरेक घर में, हरेक घर में दूध दही घी इत्यादि खान पान की, दूध दही घी इत्यादि खान पान की व्यवस्था हुआ करता था।
मतलब दूध दही घी का नदियां बहता था। अब नदियां थोड़े बहेगा, एक क्या है, एक कहावत मुहावरा है, मतलब दूध दही घी का नदियां बहता था। मतलब उस समय घर घर में क्या था, खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं था, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था था सबके घर में, खेती क्या है चरम सीमा पे है, आपका पशुपालन भी क्या है चरम सीमा पे है, तो डेवलपमेंट था, खान पान में कोई दिक्कत नहीं था। क्लियर है, चलो आगे बढ़े कहानी में। चलिए आगे लिखिए कि मेदनी राय, नेक्स्ट पॉइंट, मेदनी राय मुगल व्यापारी, मेदनी राय मुगल व्यापारी एवं मुगल सिपाहियों से भी, मुगल व्यापारी एवं मुगल सिपाहियों से भी, सिपाहियों से भी पलामू क्षेत्र से होकर गुजरने पर टैक्स लिया करते थे, कर वसूला करते थे। बात समझ में आ रहा है कि मेदनी राय, जब मान लेते हैं कोई मुगल व्यापारी या मुगल सिपाही पलामू क्षेत्र से गुजरता था तो उनसे भी क्या वसूलता था, टैक्स वसूला करता था, कौन, मेदनी राय। चलो आगे लिखो, अब औरंगजेब कब तक इस चीज को बर्दाश्त करता, हर कोई जाके कंप्लेन करता होगा, आप कहते हैं कि पूरा क्षेत्र क्या मुगल या सल्तनत के अंदर में आता है, और वहां एक चेरोवंश का राजा है, वो कहता है कौन औरंगजेब, कहां का औरंगजेब भैया, उस उल्टा हम लोग से क्या वसूलता है, टैक्स वसूलता है, आपको नहीं देता है छोड़िए, आप बड़े राजा हैं, आपके पास बहुत पैसा है, एक राजा टैक्स नहीं दिया कोई बात नहीं, हम लोग व्यापार करने जाते हैं तो क्या वसूलता है, टैक्स। और कहीं ना कहीं उत्तर से दक्षिण जाने के लिए कनेक्टिंग पॉइंट था, रास्ता हुआ करता था, चतरा गेटवे ऑफ छोटनागपुर, तो छोटनागपुर आने के लिए चतरा पास करेगा, और चतरा में किसका कंट्रोल, मेदनी राय कंट्रोल, उसी का बना हुआ था, तो क्या दो पहले, टैक्स दो, माल उजारी दो, रोड में लगता ना टोल प्लाजा, वैसे मेदनी राय का टोल प्लाजा रहा होगा, क्या ये भैया टोल प्लाजा में टैक्स दीजिए। चलिए आगे समझे, तो अब क्या करेगा, अब ये खोज के निकालेगा कि बिहार का जो सूबेदार है उसको हम आदेश देंगे कि किस पर आक्रमण करो, पलामू पर आक्रमण किया जाए। तो लिखिए, औरंगजेब ने बिहार के सूबेदार कहां का सूबेदार, बिहार के सूबेदार दाऊद खां, औरंगजेब ने बिहार के सूबेदार दाऊद खां को चेरोवंश पर आक्रमण करने का आदेश दिया। क्या दे दिया, आदेश दे दिया, आदेशानुसार काम होता है क्या, तो लोग क्या लिखेंगे कि औरंगजेब ने बिहार के सूबेदार किसको, दाऊद खां को कहां पे आक्रमण करने का, चेरोवंश पे आक्रमण करने का आदेश दिया। लिखिए 23 अप्रैल, डेट डालिए, हाँ नेक्स्ट डेट के साथ लिखेंगे 23 अप्रैल 1660 को बिहार का सूबेदार दाऊद खां पटना से पलामू में आक्रमण करने के लिए रवाना होता है।
पलामू से पटना, सॉरी पटना से, पटना से पलामू में आक्रमण हेतु रवाना होता है। ये पटना से पलामू निकल पड़ता है कि चलो अब क्या किया जाएगा, आक्रमण। महाभारत देखते थे पुराना वाला, उसमें ऐसे ही बोला जाता था ना आक्रमण, तो वही वाला आक्रमण। आक्रमण करने के लिए कौन निकल गया? हाँ, दाऊद खां, पटना से पलामू आक्रमण करने के लिए। अब दाऊद खां को इस बात का जरूर पता था कि मेदनी राय का शक्ति क्या है। अगर कोई मुगल सल्तनत को चैलेंज कर रहा है तो कुछ तो उसके अंदर होगा ना, ऐसी हवाबाजी बात तो नहीं कर रहा होगा। अगर मान लीजिए कोई उस चीज को फेस करना चाहता है, उस समय सब औरंगजेब से डरते थे, उस जमाने में अगर कोई नॉर्मल राजा, क्षेत्रीय राजा औरंगजेब को टैक्स नहीं देता है, मुगल लोगों से क्या वसूलता है, टैक्स वसूल करता है, उसके अंदर में क्या ताकत था? हाँ, दो तीन कारण कहा जाता है। पहला कारण क्या था कि ये जो अपना नया किला बनाया था उसको अभेद्य माना जाता था, कि इतना मजबूत किला बनाया है कि इस किले को भेदा नहीं जा सकता है, बाहर से कोई आक्रमण करके इस किले के अंदर आ ही नहीं सकेगा। उसके अलावा दो किला उसके पास था, एक पुराना किला एक नया किला, दोनों के बीच में कनेक्टिव लिंक था। और मेदनी राय अपने सेना को धीरे धीरे अपने समय काल में बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था। इनके पास जो सेना था वो पलामू में चेरो वंश में खरवार लोग, चेरो तो साइमन थाई, और वहाँ के जो खरवार जनजाति होते हैं उनको भी क्या किया, अपने सेना में शामिल किया। तो एक तरह से इनके सेना के पास क्या देखा कि मर मिटने वाला जो जज्बा होता है वो देखने को मिलता था, और सब वही वाला मारेंगे तो मारेंगे, अभी ये मारेंगे, वही वाला टेंडेंसी। मतलब सेना में क्या था, भरपूर जोश था। इस बात का खबर किसको था, दाऊद खां को। इसीलिए जब वो आक्रमण करने आया अकेले नहीं आया, वो बहुत सारा अगल बगल के क्षेत्र से सूबेदार लोगों से क्या मांगा, सहायता मांगा कि आप क्या कीजिए, हमको सहायता कीजिए। और सहायता करने के लिए किसको किसको बुलाया, दरभंगा का फौजदार, दरभंगा यानी बिहार। तो लिखिए कि दाऊद खां ने आक्रमण के दौरान, दाऊद खां ने आक्रमण के दौरान अपनी सहायता हेतु, अपनी सहायता हेतु दरभंगा, दरभंगा कहाँ है, बिहार में, दरभंगा का फौजदार, दरभंगा का फौजदार मिर्जा खां, बिल्कुल सही, क्या लिखेंगे, दरभंगा का फौजदार मिर्जा खां। और किसको बुलाया था, बहरोज, लिख लीजिए, और किसको बुलाया था, नहीं बहरोज नहीं, क्या बात है, शाहबाद चैनपुर का एक जागीरदार था, उनका क्या नाम था, क्या बहरोज, हाँ राजा बहरोज ही था, लिख लीजिए, मुंगेर क्षेत्र का जमींदार राजा बहरोज, मुंगेर, मुंगेर क्षेत्र का जो जमींदार थे उस समय राजा थे, क्या नाम था, राजा बहरोज। मिर्जा खां और मुंगेर का कौन, राजा बहरोज, मुंगेर क्षेत्र का कौन, राजा बहरोज। सबको सहायता के लिए बुला रहा है, मुंगेर क्षेत्र का कौन, राजा बहरोज। और एक लिख लीजिए, तहबूर खां, बिल्कुल सही है, जो गुमला चैनपुर वाला क्षेत्र है ना, वहां से भी सहायता मांग लिया। तो गुमला चैनपुर जो उस समय छत्तीसगढ़ के आसपास का रीजन था, वहां से किसको बुलाया था, तहबूर खां, तहबर खां लिख लो, तहबर खां, इन सबको कहां से बुलाया, अलग अलग क्षेत्र से अपना सहायता करने के लिए। ये सब क्या है, सामंत है, सामंत मतलब छोटे छोटे राजा। याद कीजिए जिस समय हम आपको पढ़ाए थे इससे पहले, शाहजहां के समय काल में झारखंड, इधर शांत रहेंगे, तो आपको क्या बताए थे कि रामगढ़ के राजा को आदेश था कि 20 घुड़सवार और 400 पैदल सैनिक तैयार रखेंगे,
बताए थे ना, या फिर कहीं के राजा को आदेश था कि 700 सैनिक तैयार रखेंगे, तो वैसे ही इन लोगों पर भी कब्जा किया गया था। ये सब क्या थे, मुगल के अंदर में काम करने वाले सामंत थे, फौजदार, जागीरदार, सूबेदार। इन लोगों के पास अपना अपना क्या था, छोटा छोटा सैन्य टुकड़ी था, किसी के पास 1,000, किसी के पास 1,500, किसी के पास 500। इन सब सैन्य टुकड़ी को कौन बुला लिया, दाऊद का। अब पटना बिहार का सूबेदार है, इनके पास भी सेना होगा, तो ये पूरा का पूरा एक साथ मिलकर किस पर आक्रमण करने के लिए निकला, मेदनी राय पर। अब राजा होने से वो अच्छा सेनापति तो नहीं होगा ना। अब मान लेते हैं अगर पाकिस्तान पे अटैक करना है तो मोदी जी और अमित शाह को नहीं ना भेजेंगे, अगर भेज भी देंगे तो क्या मोदी जी को उस लेवल में गन चलाना आता होगा जिस लेवल में हमारे सेना को आता है। यानी ये सब क्या है, हेड है, लेकिन इनके साथ साथ सैन्य कमांडर जाएगा। तो इस अभियान का सैन्य कमांडर कौन कौन था, तो लिखिए, इस अभियान में यानी कि दाऊद खां के सेना में, दाऊद खां के अभियान में सेना प्रमुखों के रूप में या पदाधिकारियों के रूप में सेना प्रमुख या फिर पदाधिकारियों के रूप में कौन कौन था, सेना प्रमुख के रूप में कौन कौन था, पहला शेख तातर। वही सेना में सेना प्रमुख के रूप में कौन था, शेख तातर, और कौन कौन था, शेख अहमद, हाँ, शेख अहमद, और कौन था, शेख सफी, हाँ समी भी कहा जाता है पर शेख सफी लिख लीजिए, शेख सफी, शेख तातर, शेख अहमद, शेख सफी, ये सब लोग क्या थे, इनके सेना में शामिल थे। सेना में मतलब सेना को लीड करने वाले कमांडर लोग थे। अब सोचो इतना बड़ा सेना लेकर कौन आ रहा है, दाऊद का, और इधर मजे से कौन बैठा हुआ है, मेदनी राय। उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उनके गुप्तचर लोगों ने बताया कि जो आपका दाऊद खां है इतना बड़ा सेना लेके आ रहा है, लाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि दो दो किला है, पलामू का पुराना किला, नया किला, बोला अभेद्य किला है। दूसरी बात, यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, यहां तक पहुंचने के लिए बोला कि बहुत कुछ व्यवस्था है, उससे पहले उसके सेना को क्या कर देंगे, हम समाप्त कर देंगे, वही बात है, निपटा देंगे, सही कह रहा है। चलो निकला कब था, 23 अप्रैल 1660। जैसे ही अपने सेना को लेके आगे बढ़ेगा, सेनेरियो चेंज होगा, क्या सेनेरियो चेंज होगा, ऑटोमेटिक बात है कि बरसात का दिन आएगा और धीरे धीरे सोन नदी पे क्या आएगा, तूफान आएगा, सोन नदी में क्या आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। यानी बारिश के मौसम के कारण इस अभियान को कुछ समय के लिए क्या करना पड़ेगा, डिले करना पड़ेगा। तो लिखिए कि वर्षा के समय आने के कारण सोन नदी पर वर्षा ऋतु आ जाने के कारण क्या होता है, सोन नदी पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। अब सोन नदी को पार करेगा तभी तो आएगा पलामू वाला क्षेत्र में, तो वर्षा ऋतु आने के कारण सोन नदी पर क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। अब मेदनी राय और खुश कि बाढ़ में सेना पार कैसे करेगा, बाढ़ में अपने सेना बह जाएगा, सही बात है, वो आराम से मजे में बैठा हुआ है कि बाढ़ आ गया है, अभी तक तो 2 महीना सेना इस पार आने वाला है इन्हें, और 2 महीना में हम अपने आप को और मजबूत कर लेंगे, बरसात का मौसम है, अपना अपना आदमी को बोला जाओ खेती बाड़ी करो, मस्ती से खेती करो, कोई आक्रमण होने वाला है नहीं, क्योंकि अभी आक्रमण कहाँ से होगा, सेना कहाँ है, सोन नदी के उस पार है।
लेकिन आलमगीर नामा के अनुसार कहा जाता है कि दाऊद खां इस बाढ़ के समय में ही उस सोन नदी पर एक आर्टिफिशियल ब्रिज बनाया था, कृत्रिम ब्रिज, नाव सबको, जो नाव में लोग आते हैं ना, उस नाव को तोड़ तोड़ के एक साथ बांधते हुए क्या बना दिया, मोहनजोदड़ो, हाँ देखे होंगे ना, उस तरह का क्या बना लिया, आर्टिफिशियल ब्रिज बना लिया, एक नाव बगल में दूसरा नाव, तीसरा नाव, और उसी से धीरे धीरे अपने सेना को क्या कर रहा था, आगे बढ़ा रहा था। मेदनी राय बेफिक्र, सेना आएगा ही नहीं, कहाँ सेना आएगा, बाढ़ आया हुआ है, मतलब उनको पता ही नहीं था कि उधर से क्या आने वाला है, सेना आने वाला है। वो दो महीना के लिए हाइबरनेशन हो चुका था, रेस्ट से हम लोग का JSSC हो जाता है ना। अचानक से देखिएगा, अभी का हाइबरनेशन, पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं, अचानक से कैलेंडर जारी करेगा ना, फलना फलना डेट में हम एग्जाम ले लेंगे, क्यों जारी करेगा, कैसी जारी करेगा, कोई नहीं जानता है। तो वही कहानी था, मेदनी राय बेफिक्र बैठा हुआ था, और उधर से सेना कहां से पार होकर आ रहा था, दाऊद खां। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कि आलमगीर नामा के अनुसार लिख लीजिए, पहला लिखिए ना कि वर्षा ऋतु आने के कारण क्या हो गया था, हाँ आगे लिखिए, आलमगीर नामा के अनुसार दाऊद खां ने, आलमगीर नामा के अनुसार दाऊद खां ने अपने बुद्धिमत्ता का, आलमगीर नामा के अनुसार दाऊद खां ने अपने बुद्धिमता का उपयोग करते हुए सोन नदी पर नाव की सहायता से का उपयोग करते हुए सोन नदी पर, किसकी सहायता से, नाव, बोट के सहायता से एक आर्टिफिशियल ब्रिज का निर्माण किया। इसका निर्माण किया, कृत्रिम ब्रिज, आर्टिफिशियल ब्रिज का निर्माण किया, और अपने सेना को धीरे धीरे सोन नदी पार करवाया, और पार करके सबसे पहले कहां पहुंचेगा, कोठी का किला। अभी तक तो मेदनी राय इतना खुश क्यों था, पुराना किला आने के लिए बहुत पापड़ बेलना था, पहले कोठी का किला था, कुंडा का किला था, चतरा वाला इलाका में, उनका कहना था कि चतरा आएगा सोन नदी पार, उधर से घुसते हुए आएगा, अब क्योंकि डायरेक्टली तो आ नहीं सकता है, जहां पे पानी का मुहाना पतला होगा उधर से आएगा, इधर से तो आने का कोई चांस ही नहीं है। कहा कि इधर तो दुर्गम रास्ता है, वो घूम के ही आना होगा, और उधर मेरा अपना आदमी लोग है, कहाँ है, कोठी का किला में है, कुंडा का किला में है, फिर आपका कहाँ आना पड़ेगा, पूरा पलामू होते हुए मेरा क्षेत्र में पार करना होगा, फिर पुराना किला, फिर नया किला, तब तक निपटा देंगे। तो आगे लिखिए कि दाऊद खां की सेना सबसे पहले 5 मई वहां से निकला, कब था, 23 अप्रैल 5 मई 1660 को, फिर से बोल रहे हैं, दाऊद खां की सेना ने सबसे पहले 5 मई 1660 को कोठी के किले पर, किसके किले पर, कोठी के किले पर कब्जा कर लिया। इस किले का कोई विशेष जानकारी हमारे पास नहीं है अभी कि कहाँ पे एग्जैक्टली था या एग्जैक्टली प्लेस कहाँ रहा होगा, लेकिन माना जाता है कि चतरा वाला जो इलाका है, चतरा जो बिहार वाला क्षेत्र में पड़ रहा है आपको, कुछ बिहार कुछ झारखंड, उसी के आसपास क्या रहा था, कोठी का किला रहा था। ठीक है, कौन सा किला, कोठी का किला। अब देखिए, अपना सेना को लेके आ रहा है तो सेना को रखने के लिए, रात में ठहरने के लिए राशन पानी का व्यवस्था करना होगा, राशद का भी व्यवस्था करना है ना, घोड़ा लेके आ रहे हैं, हाथी लेके आ रहे हैं, तो क्या भूखे लेके आइएगा, उसके लिए पानी खाना का व्यवस्था चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले कहाँ कब्जा किया, कोठी के किले पर, यानी कोठे के किले पर ही अपना क्या डाल दिया, डेरा डाला, अपना बेस बनाया, सैन्य बेस बनाया, कि पहले कहाँ जमा होते हैं, कोठी के किले पर, तब क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर लिखिए कि इसी किले पर,
इसी किले पर इस अभियान का योजना बनाया गया, पूरा प्लानिंग किया गया कि किस तरह से हम आक्रमण करेंगे, कैसे मेदिनी राय को हराया जाएगा। इसका प्लानिंग कहाँ किया गया? इसी अभियान का, लिख लीजिए, इसी किले पर इस अभियान का योजना बनाया गया। अभियान मतलब आक्रमण। इसी किले पर इस अभियान का क्या बनाया गया? योजना बनाया गया। क्लियर। अब नेक्स्ट डेट डालिए, कौन सा नेक्स्ट डेट? 3 जून 1660, है ना? सही लिख रहे हैं ना? 3 जून 1660 लिखिए, 3 जून 1660। अब मेदिनी राय का नींद टूटेगा। कुंडा जब तक, सॉरी, कोठी पहुंचा हुआ है, मेदिनी राय को खबर ही नहीं है। ये बिंदास है कि अभी कहां सेना आ जाएगा, मजाक कर रहे हो। उस समय व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं था ना कि फोटो खींच के भेज दिए मतलब रहा होता तो इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाता। गुप्तचर वहां से देखेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन लेगा, तब ना पहुंचाएगा। अब देखो, अब अचानक से आके महाराज से मिल भी नहीं सकता है। जो भी गुप्तचर होते हैं उनका कोई ना कोई सबॉर्डिनेट होगा, वहाँ पे संदेश जाएगा, फिर महाराज तक पहुँचेगा, फिर महाराज पुष्टि करवाएगा। वो झमेला था। तो 3 जून 1660 को ये लोग कहाँ पहुँच गया? कुंडा का किला। लिख लीजिए, 3 जून 1660 को मुगल सेना ने कुंडा के किले पर, कुंडा के किले पर कब्जा कर लिया। कौन से किले पर? कुंडा के किले पर कब्जा कर लिया। कौन कब्जा कर लिया? मुगल सेना, मतलब दाऊद खां। तो 3 जून 1660 को दाऊद खां एंड कंपनी ने क्या कर लिया? कुंडा किले पर कब्जा कर लिया। अब मेदिनी राय का होश आया कि भैया ये तो दुश्मन हमारे सामने आ गया, गले में आके खड़ा हो गया। और साथ ही साथ इस समय कुंडा किले का जो शासक था, कुंडा रियासत का या कुंडा क्षेत्र का जो शासक था, उसका नाम था चून राय। क्या नाम था? चून राय। तो क्या लिखिएगा? साथ ही साथ कुंडा के शासक चून राय को बंदी बना लिया। चून राय को पहले क्या बनाया? बंदी बना लिया। कुंडा के शासक चून राय को बंदी बना लिया। हर किला का एक उस्ताद होता है, एक शासक होता है हमेशा से। जहां जहां फोर्ट बनता था, उस फोर्ट में एक आदमी को रखा जाता था कि आप फोर्ट का क्या कीजिएगा? रक्षा कीजिएगा। जैसे हम लोग का भी अलग अलग सीमा में अलग अलग फोर्स है, कहीं पर ITBP है, कहीं पर BSF है ना, SSB है। तो उन लोगों में कमांडर कोई ना कोई होगा ना, कि उस बॉर्डर में आपको क्या करना, रक्षा करना है। वैसे किले में क्या होता था? शासक होता था। तो कुंडा किला का शासक कौन? चून राय। और अभी बोलिए या उस समय कहिए, एक ही नियम है, अगर आपका कप्तान सरेंडर कर दे, अगर आपका जो हेड रहेगा, डिपार्टमेंट का सबसे हेड रहे, वो आत्मसमर्पण कर दे या उसको बंदी बना ले गया, तो सेना भी क्या कर देगा? सरेंडर कर देगा। यही नियम होता है, अभी भी नियम है, उस समय भी नियम था। हम लोग कई बार कहते हैं कि पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का वार की बात करते हैं हम लोग, जो बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, कि दुनिया में सबसे बड़ा सरेंडर की कहानी बताई जाती है। तो क्या सारा सेना सरेंडर किया होगा? नहीं। उनके जो कमांडर होंगे, कप्तान होंगे, वो क्या दिखाया होगा? सफ़ेद झंडा। वो क्या कर लिया? सरेंडर कर दिया। जैसे वो सरेंडर किया, सारा सेना को क्या मान लिया जाएगा? कि सरेंडर हो गया। यही नियम होता है। तो वैसे ही जब चून राय को बंदी बना लिया, किले के शासक को, तो किले में जो भी लोग रहे होंगे, उन सब भी क्या मान लिया? सरेंडर मान लिया, हार मान लिया। लेकिन इतना ही नहीं, दाऊद खान ने कहा कि हम तुम पर विश्वास कैसे करेंगे? अगर तुम जिंदा रहेगा तो कभी ना कभी, कल अगर हम आक्रमण करने गए और पीछे से तुम कहा अपना सेना को कि मार डालो सबको, तो सेना तो आप ही का है। इस किले के अंदर जो सिपाही है, वो कितना भी हमारे हाथों बंदी हो, लेकिन सुनेगा किसका? चून राय का ही, क्योंकि आप ही क्या इन लोग है, लीडर है। तो हम तभी मानेंगे कि आप ईमानदार होंगे, जब आप क्या कीजिएगा? इस्लाम धर्म को स्वीकार कीजिएगा। या तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लीजिए, या फिर आपको हम हत्या कर देंगे। किनको कहा? चून राय ने। अब चून राय ने क्या किया? इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। इनकी सत्यता को दिखाने के लिए चून राय क्या हुआ? इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। तो क्या लिखिएगा? लिखिए कि चून राय ने
दाऊद खां से अपने प्राणों की रक्षा हेतु इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। अब देखो ये पूरा खबर किसके पास पहुंच रहा है, मेदनी राय के पास मिल रहा है ना, खबर तो पूरा मिल रहा है मेदनी राय के पास कि भैया क्या हो रहा है कि चून राय जो हमारे किले में वहाँ पे था वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए किस तरह से किसको स्वीकार कर लिया, इस्लाम धर्म। उनको लगा अब तो गड़बड़ है, अगर वो जिंदा रहता लगातार फाइट करते रहता तो कहीं ना कहीं दाऊद खां के सेना को क्या पहुँचता, हानि पहुँचता। तो इसका एक भाई था, चून राय का भाई का नाम था सुरवर राय। उसको मेदनी राय बुलवाया अपने पास गुप्तचर के माध्यम से और उनको पूरा भड़काया कि कैसा तुम्हारा भाई है, अपना धर्म त्याग दिया हा? तुमको राजा बनना चाहिए था, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए था। इतना कुछ बोल दिया कि सुरवर राय 15 दिन के भीतर अपने भाई की हत्या कर दी। इतना उसको कैटलिस्ट डाल दिया गया, कैटलिस्ट समझते हो ना, उत्प्रेरक, खुद भाग नहीं लेता है, रिएक्शन को स्टार्ट कर देता है। से दो आदमी लड़ रहा है और मारो, वो मारने खुद नहीं जाएगा, खाली पीछे से क्या बोलेगा और मारो, कौन किसको मार रहा है कोई मतलब नहीं, बस घी तो खुद भी जलता है ना, कैटलिस्ट खुद में कोई ये काम नहीं करता है, वो केवल स्टार्ट करवा देता है। चलो हाँ, तो वैसे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखिए कि इस घटना के बाद, आगे लिखिए, इस घटना के बाद चून राय के भाई इस घटना के बाद चून राय के भाई सुरवर राय ने 15 दिनों के भीतर चून राय की हत्या कर दी। कितने दिनों के भीतर? 15 दिनों के भीतर चून राय की क्या कर दी, हत्या कर दी, इसको मार डाला। सुरवर राय ने अपने ही भाई चून राय को मार डाला, खत्म कर दिया। लेकिन दाऊद खां अपना सेना को क्या कर रहा है, आगे ले जाने के लिए तैयार है। फिर झारखंड क्षेत्र में बारिश आना स्टार्ट हो गया, जून का महीना है, फिर बारिश आ रहा है, तो कुछ समय तक अभियान फिर क्या होगा, रुकेगा, रास्ता का कंडीशन ठीक नहीं रहेगा। अभी जैसा पीसीसी पिच रोड तो रहा नहीं होगा, कच्ची सड़क रही होगी, तो बारिश के कारण फिर से अभियान क्या हुआ, स्लो हुआ। लेकिन धीरे धीरे दाऊद खां का सेना आगे बढ़ता गया। इस समय मेदनी राय ने एक बहुत अच्छा पॉलिसी अपनाया, इसको हम लोग कहते हैं स्लेश एंड बर्न पॉलिसी। हाँ, ये सिंपल मेदनी राय का क्या कहना था कि देखो कौन आ रहा है, दाऊद राय, वो कहीं ना कहीं अपना सप्लाई चेन स्टार्ट रखेगा। अगर मान लेते हैं आक्रमण करने के लिए कोई इधर से आ रहा है तो इनको राशद भी तो चाहिए, तो या तो राशद वो अपने साथ कितना लेके आएगा, तो हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे बेस बनाएगा कि यहाँ से कुछ कुछ खाना पहुँचे। अगर हम इस बेस को ही कट कर दे तो खाना का सप्लाई बंद। दूसरा काम, ये अगल बगल के जो क्षेत्र होंगे यहाँ से अपना खाने पीने का सामान लेंगे। अगल बगल में हम लोग भी कहीं जाते हैं तो कितना खाना लेके जाते हैं, वहाँ पे जो दुकान होगा, राशन होगा, पानी बिकता होगा, वहीं से खाने खाते हैं, वहीं खरीदते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ के गांव को हटा दिया जाए तो कहा कि यहाँ पे कोई गांव नहीं रहेगा, मतलब गांव रहे, गांव के सारे आदमी वीरान, अपना घर छोड़ के निकल जाओ और खाने के लिए कुछ मत छोड़ो। अगर गलती से खेत में कोई धान वन रह गया है तो खेत में आग लगा दो, खाना नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई पेड़ आपको लग रहा है फल देने वाला है, पेड़ को ही काट दो, खाना मिलना नहीं चाहिए। कहाँ कुआं है, उस कुआं में जहर डाल दो, अगर पानी पिएगा तो सेना क्या होगा, ऐसे ही मर जाएगा। तो ये पॉलिसी किसने अपनाया, मेदनी राय ने। यानी मेदनी राय ने दाऊद खां के सेना को हराने के लिए अपने लोगों को अपने किले के अंदर बुलाने स्टार्ट कर दिया और सारा क्षेत्र को वीरान कर दिया। क्या कर दिया, वीरान कर दिया। लिखने का जरूरत नहीं है, कहानी आप सुन के रखिए, वीरान कर दिया। और ऊपर से उनका फूड चेन जो सप्लाई आ रहा था, क्योंकि पलामू के जो लोग थे उस समय चेरो वंश के लोग, वो लोग गुरिल्ला युद्ध में एक्सपर्ट होते थे,
अब मान लीजिए यहाँ का सेना का खाना लेके 50 आदमी आ रहा था, गया इसको लूट लिया, सप्लाई बंद, भूखे वहाँ पर तड़प रहा है, खाना आएगा आएगा, सुबह से शाम आ गया, खाना आ ही नहीं रहा है, कहाँ से आएगा? इस चेन को ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इस समय एक आदमी ने अप्रत्यक्ष तौर से दाऊद खां के सेना को खूब सहायता किया, और कौन करेगा सहायता, याद कीजिए, रघुनाथ शाह जब राजा था तो मेदनी राय पूरा तोड़फोड़ मचाया था, लूट के ले गया था किसको, नवरत्नगढ़ के किला से नागपुरी दरवाजा। अब रघुनाथ शाह तो धार्मिक स्वभाव का था, वो कुछ नहीं किए, लेकिन उनके बाद गद्दी में कौन आया, राम शाह। और राम शाह कैसा था, आक्रमणकारी स्वभाव, राम शाह कहा कि टेंशन नॉट, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, आपको पूरा खाने का सप्लाई देंगे, खाली बताना नहीं है कि हम दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आप पूरा आक्रमण कीजिए, किसमें, पलामू मेदनी राय पे आक्रमण कीजिए, खाने पीने का सारा सप्लाई कहां से मिलेगा, हमसे मिलेगा। तो नोट करके लिख लीजिए कि नागवंश के शासक, और ये किसी में भी ये फीलिंग आएगा, सोचिए आप कमजोर है, कोई आपको चार झाप मार के गया, उस आदमी को कोई हट्टा कट्टा है उसको दो झाप मार रहा है, तो आप ताली ही बजाएगा ना कि बहुत बढ़िया और मारो, हम तो नहीं मार पाए, वो तो कम से कम मारे, तो लिखो ना आगे लिखो कि नागवंश के शासक राम शाह ने इस अभियान के दौरान, नागवंश के शासक राम शाह ने इस अभियान के दौरान दाऊद खां की या फिर मुगल सेना, जो भी लिखेंगे, दाऊद खां या फिर मुगल सेना की अप्रत्यक्ष रूप से भरपूर सहायता की थी। दाऊद खां का या मुगल सेना का इनडायरेक्टली, डायरेक्टली अपना सेना को भेजेगा तो बदनामी हो जाएगा कि आप सहायता कर रहे हैं, इनडायरेक्टली क्या किया, भरपूर सहायता किया, खाना भेज दिया, राशन भेज दिया, पानी की व्यवस्था करवा दिया, ये सब कौन करवाया, राम शाह। क्लियर है, चलिए आगे लिखिए, इसी दौरान जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, लिखिए, इसी दौरान दाऊद खां की सेना पुराना किला तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच गया, पुराना किला। रास्ते में बहुत सारे एक्टिविटीज हुआ है, हम लोग को जानना नहीं है, कहां पहुंचा दिया हम लोग, पुराना किला तक पहुंच जाता है। और लिखिए, अपने गोले बारूद की सहायता से पुराना किला को ध्वस्त कर देता है। अपने गोले बारूद की सहायता से पुराना किला को ध्वस्त कर देता है, मतलब पुराना किला को तोड़ देता है। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग, अगर पढ़िएगा जब आप लोग डिटेल्स में कभी, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मिलता है। मेदनी राय तैयार था कि चारों ओर से अपना सैनिक लोगों को रेडी रखा था, और हमेशा हम लोग क्या जानते, जो टॉप पे रहता है ना उसको वार में हमेशा फायदा मिलता है। तो मेदनी राय किला के ऊपर, दाऊद खां के सेना नीचे, तो अपना थोड़ा तीरंदाज हो गया, तोपची हो गया, जो भी इनके पास था वो रेडी रखा था कि अगर सेना आया तो उड़ा देना है। तो पहले समय जब युद्ध चालू हुआ तो फर्स्ट डे में तो दाऊद खां के सेना को तितर बितर कर दिया पूरा, मतलब खत्म करने लगा, मार दिया, बहुत सारे सेना मारी गई। लेकिन दाऊद खां ने दिमाग लगाया कि ऐसे तो जा नहीं सकते हैं, हर चीज का एक टाइम होता है, अगर लगातार तीरंदाज का 5 सेट है तो वो तीर चलाएगा, फिर तीर लेगा, तब तो अटैक करेगा, सिंपल सी बात है। तो इन्होंने क्या किया, रात के समय में जो इनका व्यक्ति लोग मर गया था, सैनिक लोग मर गया था, बंकर खोदा और वहां सैनिक लोग को रख दिया कि दूर से देखने में लगे कि सारा सैनिक सामने पहुंच गया है, पर वो जिंदा सैनिक नहीं है, मृत सैनिक है। सुबह उठा, मेदनी राय को लगा कि सामने तक पहुंच गया है, कौन, दाऊद खां की सेना, अपना सिपाही भेजा कि हाँ सैनिक तो है, अब पूरा उसी को मारने में परेशान कौन है, मेदनी राय। और जब तक अपना पूरा
एफर्ट लगा दिया, मतलब मान लीजिए 2 घंटा 3 घंटा तक पूरा तीर चला, बारूद फेंका, पत्थर भेज रहा है, पोर फेंक दिया, वो सब पहले ही मर चुका था, उसी पर अटैक किया, तब तक लोग चुपचाप रहा। जैसे ही लगा कि ये सेना शांत हो गया है तो उधर वाला सेना भी तो रेस्ट में जाएगा ना, अचानक से क्या बोल दिया, हमला बोल दिया, अपना तोप गोली सबको आगे ले दिया। तो अपने गोले बारूद की मदद से सबसे पहले किसको तोड़ा, पुराना किला को, और पुराना किला में कौन कब्जा कर लेगा, दाऊद खां। तो लिखिए, इसी के साथ दाऊद खां पुराना किला पर कब्जा कर लेता है। इसी के साथ दाऊद खां क्या करता है, पुराना किला पर कब्जा कर लेता है। किस पर कब्जा कर लेता है, पुराना किला पर कब्जा कर लेता है। जब पुराना किला में कब्जा होगा तो मेदनी राय वहां से भाग के कहां चला जाएगा, नया किला, और नया किला को क्या माना जाता था, अवैध। तो अपने लिख लीजिए कि मेदनी राय अपने, नेक्स्ट लाइन पे लिखिए, मेदनी राय अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ नया किला में चला जाता है, या नया किला भाग जाता है। पुराना से कहां भाग गया, नया किला भाग जाता है। लेकिन युद्ध का नियम है, जब तक महाराज जिंदा है तो युद्ध चालू रहेगा, तो मेदनी राय तो कुछ हुआ नहीं है, वो पुराना से कहां चला गया, नया किला। और नया किला को सही मायने में क्या माना जाता था, अभेद्य। उसको भेदने का कोई तरीका ही नहीं था, अगर कोई अंदर से सहायता ना करे तो उसको भेद ही नहीं सकते थे। तो शुरू में तो 2-3 दिन दाऊद खां ट्राई किया, देखा कि बेकार है इस किले को, भैया क्या करने से कर सकते हैं, हम लोग नहीं भेद सकते हैं। वो एक मीम्स नहीं सुनते आप लोग कि बेकार है भैया, सुने होंगे ना, तो वही वाला उन्होंने क्या कहा कि हाँ कि क्या कर रहे हैं, इस किले को हम लोग भेद नहीं सकते हैं, डैमेज नहीं कर सकते हैं। तब अब उन्होंने राजनीति चला, फूट डालो और राज करो। अब मान लीजिए कि जब मेदनी राय दाऊद खां का अटैक हुआ होगा तो पुराना किला में और भी तो लोग रहे होंगे, अब सारे लोग को तो मेदनी राय नया किला लेके गया नहीं होगा। तो दाऊद खान ने इस बात को सब में फैला दिया कि कैसा महाराजा है, अपना जान बचा के भाग गया और अपने जो यहाँ के लोग थे, निवासी हैं, उनको मरने के लिए छोड़ दिया, अगर हम सबको मार दे तो। लेकिन हमारे जो औरंगजेब, हमारा मुगल बादशाह, वो क्या है, दया के पात्र हैं, वो दयालु राजा हैं, वो नहीं चाहते कि आप लोग को मार दिया जाए, बदले में आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सहायता कर दीजिए, आप लोग ये बता दीजिए कि नया किला को कैसे भेदा जाए। तो किसी ना किसी को तो पता ही होगा, अगर जिस क्षेत्र में जो रहता है उसको उस किला का अच्छाई और कमी दोनों पता होगा। तो धीरे धीरे लोगों के सहायता से दाऊद खान ने ये पता लगाया कि किला का कौन सा दीवार है या कौन सा इलाका है जो हल्का सा क्या है, कमजोर है, जहाँ पे गोला बारूद करके हिट कर सकते हैं। दूसरा बात, कोई भी किला में हमेशा गुप्त द्वार होता था, हमेशा हर किला का सिस्टम रहा है, और गुप्त द्वार अंदर से ही खोला जाता है, बाहर से नहीं, ये किले का उस समय का फॉर्मेशन होता था। तो कहा जाता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मेदनी राय ने कुछ लोगों को, मतलब बाहर भी कुछ लोग हैं, अंदर भी कुछ लोग हैं, किसी तरह से कनेक्टिव करके जोड़ के इस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया कि किले का दरवाजा को खोल देना। और सुबह सुबह जिस समय भोर का समय होता है, बहुत खतरनाक नींद आता है, मज़ा आता है ना, 4-5 बजे कैसा नींद आता है कि और 1 घंटा सो लेते हैं, हवा चल रहा है, गर्मी का मौसम है तो और मज़ा आएगा, जुलाई अगस्त का मौसम होगा तो कैसा लगेगा, एकदम मज़ा आता सोने में। तो बस वैसे भोर के समय में किला का दरवाज़ा खोला और दाऊद खां की सेना कहाँ एंटर करता है, नया किला में, और कत्लेआम मचाता है। जब तक वो सेना अपना हथियार ढूंढने जाएगा तब तक उसको पार कर दिया। इसी घटना के बाद पूरी तरह से नया किला पे भी किसका कब्जा हो जाएगा, दाऊद खां। तो लिखिए, कुछ समय के पश्चात, कहानी आप लोग लिखिए मत, सीधा लिखिए, कुछ समय के पश्चात कुछ लोगों के सहायता से मुगल सेना नया किला में भी प्रवेश कर जाता है। कुछ लोगों के सहायता से मुगल सेना नया किला में भी प्रवेश कर जाता है। कहाँ प्रवेश कर जाता है, नया किला में। आगे लिखिए, मेदनी राय अपने परिवार के साथ नए किले को छोड़कर, मेदनी राय अपने परिवार के साथ नए किले को छोड़कर सुरगुजा भाग जाता है। सुरगुजा बोले तो छत्तीसगढ़,
मेदनी राय अपने परिवार के साथ नए किले को छोड़कर कहाँ भाग जाता है? सुरगुज्जा भाग जाता है। यानी दोनों किले पर किसका कब्जा हो गया? दाऊद खां। यानी जो मेदनी राय सोचता था अभेद्य किला है, अब वो किसके कंट्रोल में आ गया? दाऊद खां। लिखिए कि दाऊद खां ने जीत के उपरांत किले में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। आज भी आपको मिलेगा, उसका भग्नावशेष देखने को मिलता है। दाऊद खां ने जीतने के उपरांत किले में क्या बनवाया? एक मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर आगे लिखिए, साथ ही साथ, अब दाऊद खां तो बिहार का सूबेदार है, वो यहां पे बैठ के थोड़े रहेगा, वो तो आक्रमण करके जीत लिया, अपना किसी सबोर्डिनेट को रख देगा और वापस कहां चल जाएगा? बिहार। तो जब ये बिहार जा रहा था तो इनको नागपुरी दरवाजा पसंद नहीं आया। एक किला में दरवाजा था जिसका नाम था सिंह द्वार, उसको तोड़ के कौन ले जाएगा? दाऊद खां। ये साथ ही साथ किले के सिंह द्वार को, हाँ, लेकिन और दूसरा दरवाजा होता ना, अपना अपना पसंद है ना। मेदनी राय को क्या पसंद था? नागपुरी दरवाजा, तोड़ के लाया। उनको नागपुरी दरवाजा नहीं पसंद हुआ, उनको कोई सिंह दरवाजा पसंद आया। हो सकता है अपना अपना पसंद है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? एवं, और क्या लिखें हम लोग? साथ ही साथ किले के सिंह द्वार को अपने साथ ले जाकर दाऊद नगर, अपना जहां अपना किला बनवाया कौन? दाऊद खां, वहां लगवाया। अपने साथ ले जाकर दाऊद नगर में लगाया। जैसा करनी वैसा ही भरनी हो जाता है। क्या ये लूट के लाया नागपुरी दरवाजा, और इसका दाऊद सिंह द्वार कौन लूट के ले गया? दाऊद खां। फिर उसको भी कोई लूटा होगा, इतिहास तो वैसे ही चलता है ना। चलिए, याद रहेगा, हाँ, उसी क्षेत्र में पड़ेगा, बिहार क्षेत्र में ही पड़ेगा। क्लियर है? बोलो, हाँ। अब छुट्टी, चलिए आज इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।